Hi everyone, मैं मुक्ति गौतम, आप सबकी फिटनेस कोच। तो गाइज आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 5 टिप्स अगर आप टीनेजर हैं एंड यू वांट टू लूज योर वेट फास्ट। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें। टिप नंबर 1, फ्यूल योर बॉडी विद नरिशिंग फूड। वेट लॉस करने के लिए हम टीनेजर टाइम पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसमें से एक है बहुत ही ज्यादा कम कैलोरीज खाना। हमें लगता है कि वेट लॉस करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है बहुत ही ज्यादा कम खाना। बट ऐसा नहीं है, आपको कम खाना है। अगर आप बहुत ज्यादा कम खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा, और ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वेट लॉस होने में नहीं आएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिसने कि बहुत ज्यादा कम खा के भी देख लिया बट फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो आपको जितना आप खा रहे हैं उससे हल्का सा ज्यादा खाना होगा वेट लूज करने के लिए। आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल रहता है थोड़ा सा ज्यादा खाना, बिकॉज हमारे दिमाग में वही चीज फीड रहती है कि अगर हम कम खाएंगे तभी हम पतले होंगे। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैंने भी रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्रॉपर बताया कि आपको डाइट प्लान क्या फॉलो करना है, हाइट के हिसाब से भी बताया, वेट के हिसाब से भी बताया। बट मेकिंग श्योर कि अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं ना, तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए उसे फॉलो जरूर करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। हम क्या करते हैं, 1-2 दिन डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उसके बाद अपना वेट चेक करते हैं, वर्कआउट भी करना शुरू कर देते हैं, पर हमें लगता है कि भाई 2-3 दिन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, छोड़ो परे। आई नो कि ये बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग होता है बिकॉज आप वर्कआउट भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि आपका वेट गेन क्यों हो रहा है। वर्कआउट करने की वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा मसल गेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट कम होने की बजाय या तो उतना ही रहता है या फिर हल्का सा बढ़ जाता है। उतना आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखाई देता, बट आपको कई बार अपने इंचेस में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। अगर आप ये बोलो कि वेइंग मशीन पे जो आ रहा है वो एक एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने कपड़े भी ढीले लग रहे हैं देन यू आर गुड टू गो। आप लोग ना मसल के नाम से डर जाते हैं कि ओ भाई साहब हमारी बॉडी में मसल गेन होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली लड़कियां बहुत डर जाती है कि अगर हम थोड़े से बाइसेप पाल लेंगे या पुशअप्स करना शुरू कर देंगे तो हम एकदम मैनली लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा ना, उतना ही जल्दी आपकी बॉडी में फैट लॉस होगा। और मसल का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में आपके मसल आ जाएंगे और बाइसेप बन जाएंगे, बहुत मुश्किल से मसल आते हैं। सेकंड टिप इज डोंट हेट कार्ब्स एंड फैट। तो अगर हमें वेट लूज करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन जो टिप्स मिलती हैं वो है कि आप अपनी डाइट में से कार्ब्स कम कर दो, फैट कम कर दो। बट सबसे पहली चीज, आप टीनेजर हो। दूसरी चीज, आपको कभी भी गुड कार्ब्स को और गुड फैट को अपनी डाइट में से नहीं हटाना है। कार्ब्स के नाम पे हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो है रोटी, चावल, ओट्स, दलिया, और हम हेल्दी चीजें छोड़ देते हैं और जितनी भी अनहेल्दी चीजें हैं वो हम खाना शुरू कर देते हैं। बाहर का जंक फूड खाने से पहले नहीं सोचोगे, चिप्स खाने से पहले नहीं सोचोगे, मैदा खाने से पहले नहीं सोचोगे, बट अगर बात आती है आम की या केले की तो हेल्दी कार्ब्स को लोग फटाफट छोड़ देते हैं। फैट के नाम पे लोग अपनी डाइट में से क्या हटा देते हैं, देसी घी बिल्कुल हटा देते हैं। और दूसरा एग येलो, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि एग येलो में इतना क्या डेंजरस है। जो तुम जलेबी खा सकते हो, समोसा खा सकते हो फैट के नाम पे, बट एग येलो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गुड फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीनेजर हो तो आपकी बॉडी को चाहिए है एनर्जी, और वो एनर्जी आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में हेल्दी कार्ब्स बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली सी बात है कि आपको किसी भी चीज को हेल्दी के नाम पे ओवर ईट नहीं करना है। केला हेल्दी है तो 3-4 केले खा लिए, बिना सोचे समझे चने खा लिए, बिना सोचे समझे रोटी खा ली, चावल खा लिए, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या क्या लेना है। सबसे ज्यादा अपसेट करता है जब लोग अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, स्पेशली अगर आप टीनेजर हो। मेक श्योर दैट यू हैव हेल्दी कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन इन योर ब्रेकफास्ट। दलिया, अमरांथ, रागी, ओट्स, किनुआ, कितनी सारी हेल्दी ऑप्शन है जो कि आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। उनके पास बहुत सारे बहाने हैं ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए। पहले तो वो लोग आ जाते हैं जो कि जॉब करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का। सबसे ज्यादा तो हॉस्टलर्स हैं जो कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। इसे हमारे आ जाते हैं पीजी वाले, जिनको कि ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। बट आई गेस मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं विच आर इजी टू मेक एंड टेस्टी एज वेल। इसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा कपिवा का मसाला सुपर ग्रेन्स। और बेस्ट चीज इसके बारे में ये है कि इसके अंदर टोटल 4 ग्रेन्स हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर ओट्स है, इसके अंदर मूंग है, अमरांत है, रागी है, मतलब This is one of the best and the healthiest thing you can have in your breakfast. 3 ऐसी और चीजें जो कि इसको और भी ज्यादा स्पेशल बना रहा है। फर्स्ट है इसके अंदर गार्सिनिया, जो कि अगेन वी ऑल नो कि वेट लॉस में हेल्प करता है। दूसरा है ग्रीन कॉफी, अगेन इट इज अगर आप ओवर वेट हो, आप ओबीज हो, देन यू मस्ट हैव ग्रीन कॉफी इन योर डाइट। अनदर इज गार्लिक, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। एंड गार्लिक इज समथिंग जो कि आपकी चीज को और भी ज्यादा टेस्टी और यमी बना देता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए है गर्म पानी, मसाला सुपर ग्रेन मिक्स का पैकेट, इसको कट करना है
यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है दैट फिल वाटर टिल हेयर। इससे ज्यादा इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? अगर आपके घर पे गैस नहीं है तो आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आप कैटल भी यूज कर सकते हैं पानी गर्म करने के लिए। दिस पैकेट कम आउट टू बी दिस मच क्वांटिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इसका बाकी है वो है इसका टेस्ट, की टेस्ट में ये कैसा है। इसका जो प्राइस है वो पोहा और इडली से सस्ता, बिकॉज ये एक पैकेट पड़ता है 2500 रुपए में। कंपेरेटिवली इट इज सस्ता। ये सीरियसली बहुत ज्यादा टेस्टी है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया तो उसे कई ज्यादा टेस्टी है। ये चीज मुझे सही लगी कि ना कोई नमक डालना ना कोई मसाला डालना है और 3 मिनट में ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टिप नंबर 3 इज वर्कआउट। तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने के लिए वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑनलाइन कितना सर्च करते हैं कि ड्रिंक टू बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म, क्या हमें ये पता है कि वर्कआउट करने से भी मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है? वर्कआउट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर कि आप 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स की वॉक जरूर करें। और दूसरा आप कर सकते हैं वर्कआउट, तो 10-15 मिनट का ऑनलाइन बहुत सारे आपको वर्कआउट्स मिल जाएंगे। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस डाली वर्कआउट की, तो उसमें से आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो आप कोई भी डांस क्लासेस या फिर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट है, स्विमिंग है या कोई भी गेम है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। टिप नंबर 4 की अगर आपको कभी भी स्नैकिंग करनी है तो मेक श्योर कि आप कम कैलोरीज वाले फूड पे ही स्नैकिंग करें। आप ऐसी चीजों पे स्नैकिंग कर रहे हैं जो कि ज्यादा कैलोरीज की हैं, तो मेक श्योर कि वो आपके प्रॉपर डाइट प्लान में हो। जिन चीजों में सबसे ज्यादा कम कैलोरीज है जिसको कि आप कभी भी खा सकते हो वो है हमारे पास सब्जियां, जिसमें कि आता है क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा, गाजर, मूली, पत गोभी, फुल गोभी, तो ये सब चीजें हैं। ब्रोकली हो गई, पीज हो गए, मटर हो गए। आप चाहो तो ऑब्वियसली इसका सैलेड बना के प्रिपेयर करके भी खा सकते हो, बट सैलेड में अगेन आपको मेयोनीज या ड्रेसिंग्स नहीं डालनी है। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो डाली हुई, तो मैं ऊपर लिंक में डाल दूंगी, तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरी ये वाली वीडियो। दूसरी सबसे ईजी और सबसे कम कैलोरीज वाली चीज है हमारे पास सूप। तो आप कोशिश करो कि अगर आप घर पे सूप प्रिपेयर करो देन दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। बट इनकेस अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाके अगर आप क्रीमी सूप ऑर्डर कर रहे हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप लेमन कोरिएंडर सूप ले सकते हो, विच इज क्वाइट हेल्दी। जितनी भी टीज हैं, दूध वाली चाय नहीं, ग्रीन टी होगी, ब्लैक टी होगी, दिस इज अगेन 0 कैलोरीज ऑप्शन। अगली चीज है हमारे पास अंडा। और अगर आपको फ्रूट्स खाने पसंद है तो फ्रूट्स में आप ले सकते हो पपाया, गुआवा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन। फ्रूट्स को भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल में खाना है। अगर आप फ्रूट को एक्सेस में खाओगे बिकॉज उसके अंदर शुगर होती है, तो अगर आप वो भी बहुत ज्यादा एक्सेस में खाओगे तो कैलोरी लिमिट बढ़ जाएगी। यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो है मोटिवेशन। चाहे हमें वर्कआउट करना है, चाहे हमें डाइट प्लान फॉलो करना, अगर मोटिवेशन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप अपना डाइट प्लान प्रिपेयर करेंगे, मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी अपना डाइट प्लान यूट्यूब पर डाला हुआ है टीनेजर्स के लिए, तो वो आप देखिए चेक करें। शेड्यूल में सबसे पहले आपको लिखनी है डेट्स की, आज से मेरा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान शुरू हो रहा है, तो डेट्स लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे कॉलम में लिखना है डाइट प्लान, अगले कॉलम में लिखना है वर्कआउट प्लान। जिस दिन आप वर्कआउट भी कर रहे हैं डाइट प्लान भी फॉलो करने, तो आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको उस पर क्रॉस करना है। आपको इस पेज को ऐसी जगह पर स्टिक करना है जहां पे आप बार बार बैठे या फिर बार बार आपकी नजर, जरा आप इसको फ्रिज के ऊपर स्टिक कर सकते हो बिकॉज हमें फ्रिज खोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। मोटिवेशन में आपका फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करेंगे, वो खुद भी वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे, तो आप भी करेंगे। बट अगर वो भी जंक फूड खा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लेजी है, तो आप भी उनकी तरह होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर फ्रेंड वॉक पे नहीं आ तो भाई मैं भी वॉक पे नहीं जाऊंगी, तो पहली बात तो खुद कोशिश करो कि अकेले वॉक पे जाने की या वर्कआउट करने की। बट अगर आपका कोई दोस्त है जो कि आपको मोटिवेट करता है, then that's the best option. And that's it guys. अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, then don't forget to comment, share and like my videos. And guys, आप मुझे Instagram पे follow करना बिल्कुल मत भूले, मुक्ति गौतम के नाम से. And that's it guys. Keep liking me and my videos. Bye guys.